सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जन गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हमें मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञान
तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात् देशातारिणे वंशाकल्पतरूभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृते नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीर्ये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देविकी नंदनाय च नंद गोपर कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। सर्ववेदांत सारमे श्री भागवतम इष्यते तद्रसामृता तृप्तस्य नान्यत्र शाद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयस्तद धाम वृंदावन रम्य काचिदुपासना ब्रज वधूवर्गेण या कल्पितम्। श्रीमद्भागवतं प्रमाणं अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतं इदं तत्रादरो न परं मूकं करोति वाचालं अंगूलं घ्रियते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्द माधवं। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। आज के इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 13वें अध्याय से, जिसका नाम है भगवान वराह का प्राकट्य। इसमें सारे ऋषि लोग जो हैं भगवान वराह के प्राकट्य के बाद उनकी प्रशंसा करते हैं। सारे ऋषि अति आदर के साथ बोल पड़े हैं, समस्त यज्ञों के अजय भक्ता की जय हो, जय हो। आप साक्षात वेदों के रूप के में विचरण कर रहे हैं और आपके शरीर के रोम कूपों में सारे सागर समाये हुए हैं। अब आपने किन्हीं कारणों से पृथ्वी का उद्धार करने के लिए अब शुकर का रूप धारण किया है। और इस प्रकार से भगवान वराह की स्तुति करते हैं। आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, हे पृथ्वी के उठाने वाले, आपने जिस पृथ्वी को पर्वतों समेत उठाया है वो अति सुंदर लग रही है। हे प्रभु, ये पृथ्वी चर तथा अचर दोनों प्रकार के निवासियों के रहने के लिए आपकी पत्नी है। तो भूदेवी जो है वराह की पत्नी है। भगवान की शक्ति भूदेवी और श्रीदेवी है, तो भूदेवी जो है भगवान की पत्नी। हम माता उस माता पृथ्वी समेत आपको सादर नमस्कार करते हैं, जिसमें आपके आपने अपनी शक्ति स्थापित की। जिस तरह कोई दक्ष यज्ञ करता अरण्य काष्ठ में अग्नि स्थापित करता है, इस प्रकार से आगे प्रार्थना करते हैं। 43वें श्लोक से, 43 श्लोक नंबर से, तीसरे स्कंद के 13वें अध्याय के 43 श्लोक से हम श्रवण करेंगे। प्रभो रसाम गताया भवो द्विपरहण नमेस्मय असो तै विश्व विस्मय यमायायदं ससज्रे अति विस्मयम्। हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, आपके अतिरिक्त ऐसा कौन है जो जल के भीतर से पृथ्वी का उद्धार कर सकता है। हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, आपके अतिरिक्त ऐसा कौन है जो जल के भीतर से पृथ्वी का उद्धार कर सकता है। किंतु यह आपके लिए बहुत आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड के सृजन में आपने अति अद्भुत कार्य किया है। अपनी शक्ति से आपने इस अद्भुत विराट जगत की सृष्टि की है। तो जब कोई विज्ञानी मनुष्य अज्ञानी जन समूह के किसी प्रभावशाली वस्तु की खोज करता है, तो सामान्य लोग बिना पूछताछ के ऐसी खोज को आश्चर्यजनक मान लेते हैं। जब कोई वैज्ञानिक मनुष्य अज्ञानी जन समूह के लिए किसी प्रभावशाली वस्तु की खोज करता है, तो सामान्य लोग बिना किसी पूछताछ के ऐसी खोज को आश्चर्यजनक मान लेते हैं। किंतु बुद्धिमान व्यक्ति ऐसी खोजों से तनिक भी आश्चर्यचकित नहीं होता। वो उस व्यक्ति को सारा श्रेय प्रदान करता है जिसने विज्ञानी के अद्भुत मस्तिष्क बनाया है। एक सामान्य व्यक्ति भी भौतिक प्रकृति के अद्भुत कार्य से विस्मित होता है और सारा श्रेय विराट जगत को प्रदान करता है। किंतु एक विद्वान कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यह भली भांति जानता रहता है कि विराट जगत के पीछे कृष्ण का मस्तिष्क कार्य कर रहा है, जिसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई। मया दक्षिण प्रकृति सुयते सराचराचरम। चूंकि कृष्ण अद्भुत विराट जगत का संचालन कर सकते हैं, अतः उनके लिए विराट वराह का विराट रूप धारण करना और फिर पृथ्वी को जल के कीचड़ से निकालना तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं है। इसलिए भक्त अद्भुत शुक्र को देखकर चकित नहीं होता, क्योंकि वह जानता रहता है कि भगवान में अपनी शक्तियों के द्वारा कई अधिक आश्चर्यजनक कार्य जो बड़े 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 से बड़े विज्ञान विद्वान विज्ञानी के मस्तिष्क के लिए अचिंत्य है करने की क्षमता है। जना तपसत निवासिनो मयम् सटाशिखुद्वत् शिवाम्बुबिन्दुभिः मिम्रज्यमाना भृशमीश पावितः। हे परमेश्वर,
निसंदेह हम जन तप तथा सत्य लोकों जैसे अतीव पवित्र लोकों के निवासी हैं। फिर भी हम आपके शरीर के हिलने से, आपके कंधों तक लटकने वाले बालों के द्वारा छिड़के गए जल की बूंद से शुद्ध बन गए। तो जन तप सत्य लोग ऐसे पवित्र लोक माने जाते हैं, लेकिन यहाँ पे बताया गया कि फिर भी हम आपके शरीर के हिलने से, आपके कंधों तक लटकने वाले बालों के द्वारा छिड़के गए जल की बूंद से शुद्ध बन गए। तात्पर्य, सामान्यतः शुक्र का शरीर अशुद्ध माना जाता है, किंतु हमें यह नहीं मानना चाहिए कि भगवान द्वारा धारण किया गया शुक्र अवतार भी अशुद्ध है। भगवान का रूप साक्षात वेद है और दिव्य है। जन तप तथा सत्य लोकों के निवासी भौतिक विश्व के सर्वाधिक पवित्र व्यक्ति हैं, किंतु ये लोग भी भौतिक जगत में स्थित हैं, अतः उनमें भी अनेक अनेक भौतिक अशुद्धियां हैं। इसलिए जब भगवान के कंधों तक लटके हुए बालों के अग्रभागों से जल की बूंदें इन उच्च लोकों के निवासियों के शरीर ऊपर छिड़की गई, तो वे अपने को शुद्ध का हुआ का अनुभव कर रहे थे। गंगा का जल इसलिए शुद्ध है क्योंकि ये भगवान के पांव के अंगूठे से निकला है, और अंगूठे से निकलने वाले जल तथा भगवान वराह के कंधों तक लटकते बालों के छोरों से टपकने वाले जल में कोई अंतर नहीं है। दोनों ही परम और दिव्य हैं। गंगा का जल और भगवान ने ऐसा छिड़का, सिर लाया और जो छींटे उड़ी, दोनों में कोई अंतर नहीं है। आगे बोला गया है अगले श्लोक में, सवे पत भ्रष्ट मति तवेशते य कर्मणां पारम अपार कर्मणा यत योग माया गुण योग मोहितं विश्वं समस्तं भगवन् विदेशम्। हे प्रभु, आपके अद्भुत कार्यों की कोई सीमा नहीं। जो भी व्यक्ति आपके कार्यों की सीमा जानना चाहता है वो निश्चय मति भ्रष्ट है। इस जगत में हर व्यक्ति प्रबल योग शक्तियों से बंधा हुआ है, कृपया इन बद्ध जीवों को अपनी अहेतु की कृपा प्रदान करें। तात्पर्य, मनोधर्मी चिंतक जो असीम की सीमा जानना चाहते हैं निश्चय मति भ्रष्ट। इनमें से हर एक भगवान की बहिरंगा शक्ति द्वारा पाशबद्ध है। उनके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि भगवान को अचिंत जानकर उनकी शरण में जाएं, क्योंकि उन्हें इस तरह उन्हें उनके अहितु की कृपा प्राप्त हो सकती है। यह स्तुति उच्चतर लोकों अर्थात जन तप तथा सत्य लोगों के निवासियों द्वारा की गई, जो मनुष्यों की अपेक्षा कहीं अधिक बुद्धिमान तथा शक्तिशाली होते हैं। यहाँ पर विश्वम समस्तम अत्यंत सार्थक है। लोक दो तरह के हैं, भौतिक तथा आध्यात्मिक। मुनिगण प्रार्थना करते हैं, दोनों लोक आपकी विभिन्न शक्तियों द्वारा मोहित हैं। जो लोग आध्यात्मिक जगत में हैं वे अपने को तथा आपको भी भुलाकर आपकी प्रेमा भक्ति में लीन रहते हैं, जबकि भौतिक जगत के लोग इंद्रिय तृप्ति में डूबे रहते हैं, अतः वे भी आपको भुला देते हैं। कोई भी आपको नहीं जान सकता क्योंकि आप असीम हैं। सबसे उत्तम यही है कि व्यर्थ के मानसिक चिंतन द्वारा आपको जानने का प्रयास ही न किया जाए। तो आप हम सबों को आशीर्वाद दें जिससे हम अहेतु की भक्ति से आपकी पूजा कर सकें। मैत्रे उवाच, आगे मैत्रे मुनि बोलते हैं इन ऋषियों की प्रार्थना के बाद में, इति उपस्थिय मानः, इति उपस्थिय मानसो मुनि भी ब्रह्मवादि भी सलीले स्वराक्रांते उपाधत्त अवितामनि। मैत्र मुनि ने कहा, इस तरह समस्त महर्षियों तथा दिव्य आत्माओं के द्वारा पूजित होकर भगवान ने अपने खुरों से पृथ्वी का स्पर्श किया और उसे जल पर रख दिया। तात्पर्य, भगवान ने अपने अचिंत शक्ति से पृथ्वी को जल के ऊपर रखा था। भगवान सर्वशक्तिमान है, अतः वे विशाल लोकों को चाहे तो जल पर या वायु में स्थिर कर सकते। मनुष्य का लघु मस्तिष्क इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता कि भगवान की शक्तियां किस तरह कार्य करती।
मनुष्य उन नियमों की अस्पष्ट व्याख्या कर सकता है जिनसे ऐसी घटनाएं संभव होती हैं, किंतु वास्तव में लघु मानव मस्तिष्क भगवान के कार्यों के विषय में कल्पना कर सकने में अशक्त है, इसलिए वे अचिंत्य कहलाते हैं। किंतु तो भी कूप मंडूक दार्शनिक कुछ काल्पनिक व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। सहितं भगवानुर्विं विश्वक्सेन प्रजापति रसाया लीलया उन्नीताम अप्सु न्यस्य ययो हरि। इस प्रकार से समस्त जीवों के पालनहार भगवान विष्णु ने पृथ्वी को जल के भीतर से उठाया और उसे जल के ऊपर तैराते हुए रखकर वे अपने धाम को लौट गए। तात्पर्य, भगवान विष्णु विशिष्ट प्रयोजनों के लिए अपने असंख्य अवतारों में अपनी इच्छा से भौतिक लोक में अवतरित होते हैं और पुनः अपने धाम को चले जाते हैं। जब वे अवतरित होते हैं तो वे अवतार कहलाते हैं, क्योंकि अवतार का अर्थ है अवतरित होने वाला। न तो स्वयं भगवान, न ही उनके विशिष्ट भक्त जो इस पृथ्वी पर आते हैं, हम जैसे सामान्य जीव होते हैं। यमेताम हरिमेदशो हरे कथाम सुभद्राम कथनीय श्रणमित भक्त्या श्रवेत भोषितम जनार्दनस्यासु हृदि प्रसिद्ध्यति। यदि कोई व्यक्ति भगवान वराह की शुभ एवं वर्णनीय कथा को भक्ति भाव से सुनता है अथवा सुनाता है तो हर एक के हृदय के भीतर स्थित भगवान अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। तात्पर्य, भगवान अपने विविध अवतारों में प्रकट होते हैं, कार्य करते हैं और अपने पीछे वर्णनात्मक इतिहास छोड़ जाते हैं, जो स्वयं भगवान जितना ही दिव्य। हम में से हर व्यक्ति कोई न कोई अद्भुत कथा सुनने का इच्छुक रहता है। हम में से हर कोई व्यक्ति कोई न कोई अद्भुत कथा सुनने का इच्छुक है, किंतु अधिकांश कथाएं न तो मंगलप्रद होती, न ही सुनने के लायक होती। भगवान अपने विविध अवतारों में प्रकट होते हैं, कार्य करते हैं और अपने पीछे वर्णनात्मक इतिहास छोड़ जाते हैं, जो स्वयं भगवान जितने ही दिव्य। हम में से हर व्यक्ति कोई न कोई अद्भुत कथा सुनने का इच्छुक रहता है, किंतु अधिकांश कथाएं न तो मंगलप्रद होती, न ही सुनने के लायक। क्योंकि वे भौतिक प्रकृति की निम्न गुण वाली कथाएं, अधिक इस संसार की अधिकांश कथाएं ना तो मंगलप्रद होती ना सुनने के लायक होती, क्योंकि वे भौतिक प्रकृति के निम्न गुण वाले। प्रत्येक जीव उत्कृष्ट गुण का अर्थात आत्मा है, आत्मा है, और कोई भी भौतिक वस्तु उसके लिए शुभ नहीं है। प्रत्येक वस्तु उत्कृष्ट गुण का अर्थात आत्मा है, और कोई भी भौतिक वस्तु उसके लिए शुभ नहीं हो सकती। इसलिए बुद्धिमान लोगों को भगवान की विवरणात्मक दृष्टांत स्वयं सुनना चाहिए और अन्यों को भी सुनाने के लिए, अन्यों को भी सुनने के लिए बाध्य करना चाहिए, क्योंकि इससे संसार का ताप विनष्ट होगा। भगवान एकमात्र अपने हेतु की कृपा से इस पृथ्वी पर आते हैं और अपने कृपामय कार्यकलापों को पीछे छोड़ते जाते हैं, जिससे कि भक्तगण दिव्य लाभ उठा सके। तस्मिन् प्रसन्ने सकलाशिषां प्रभो किं दुर्लभं तारि अलं लवात्मभि अनन्यद्रष्टा भजतां गुहाशय स्वयं विधत्ते सुगतिं परापरम। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान किसी पर प्रसन्न होते हैं तो उसके लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं रहता। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान किसी पर प्रसन्न होते हैं तो उसके लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं रहता। दिव्य उपलब्धि के द्वारा मनुष्य अनेक प्रत्येक वस्तु को नगण्य मानता है। जो व्यक्ति दिव्य प्रेमा भक्ति में अपने को लगाता है, जो व्यक्ति दिव्य प्रेमा भक्ति के द्वारा अपने को लगाता है, वह हर व्यक्ति के हृदय में स्थित भगवान के द्वारा सर्वोच्च सिद्ध अवस्था तक ऊपर उठा दिया जाता है। तात्पर्य, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया, भगवान शुद्ध भक्तों को बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे वे सर्वोच्च सिद्धि अवस्था तक ऊपर उठाए जा सके।
यहाँ पर इस बात की पुष्टि की गई कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की प्रेमा भक्ति में निरंतर लगे रहने वाले शुद्ध भक्त को वह समस्त ज्ञान प्रदान किया जाता है जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तक पहुँचने के लिए आवश्यक है। ऐसे भक्त के लिए भगवान की सेवा के अतिरिक्त कुछ भी प्राप्त किया जाना मूल्यवान नहीं। यदि कोई व्यक्ति श्रद्धापूर्वक सेवा करता है तो निराशा की कोई संभावना नहीं रहती, क्योंकि भक्त की प्रगति का भार स्वयं भगवान ले लेता है। भगवान हर एक के हृदय में आसीन है और वे भक्त के मंतव्य को जानते तथा उपलब्ध हो सकने वाली हर वस्तु की व्यवस्था करते हैं। दूसरे शब्द में छद्म भक्त जो कि भौतिक लाभ पाने के लिए उत्सुक रहता है सर्वोच्च सिद्धि अवस्था इसलिए प्राप्त नहीं कर सकता क्योंकि भगवान को उसके गंतव्य की जानकारी नहीं है। मनुष्य को अपने उद्देश्य में केवल निष्ठावान बनने की आवश्यकता है, फिर तो भगवान सभी तरह से उसकी सहायता करने के लिए वहां पर मौजूद है। को नाम लोके पुरुषार्थ सारवित्त पुरा कथा नाम भगवत कथा सुधा अप्पा आपीय कर्णा जलि भी भवापहा अहो विरजेत बिना नर्मितम। मनुष्य के अतिरिक्त ऐसा प्राणी कौन है जो इस जगत में विद्यमान और जीवन के चरम लक्ष्य के प्रति रुचि नहीं रखता। मनुष्य के अतिरिक्त ऐसा प्राणी कौन है जो इस जगत में विद्यमान और जीवन के चरम लक्ष्य के प्रति रुचि नहीं रखता। भला कौन ऐसा है जो भगवान के कार्यों से संबंधित उन कथाओं के अमृत के मुख से मोड़ सके, कथाओं के अमृत से मुख मोड़ सके जो मनुष्य के समस्त भौतिक तापों से उबार सकती। तात्पर्य भगवान के कार्यों की कथा अमृत के सतत प्रवाह के तुल्य। ऐसे अमृत को पीने से वही इनकार कर सकता है जो मनुष्य नहीं है। भगवान के कार्यों की कथा अमृत के सतत प्रवाह के तुल्य ऐसे अमृत को पीने से वही इनकार कर सकता है जो मनुष्य नहीं है। हर मनुष्य के लिए भगवत भक्ति जीव का सर्वोच्च लक्ष्य है। ऐसा व्यक्ति भगवान के देवी कारणों को कार्यों को श्रवण करना शुरू होता है। केवल कोई पशु या ऐसा मनुष्य जो आचरण में पशुप्राय भगवान का संदेश सुनने में रुचि लेने से इनकार करेगा। संसार में कथाओं तथा इतिहास के अनेक ग्रंथ हैं, किंतु भगवान की कथा इतिहास या कथाओं को छोड़कर उनमें से कोई भी भाव ताप के भार को कम करने में समर्थ नहीं। अतः जो व्यक्ति भौतिक जीव का निराकरण करना चाहता है उसे भगवान के दिव्य कार्यों के विषय में कीर्तन तथा श्रवण करना चाहिए, अन्यथा उस मनुष्य की तुलना अमनुष्यों से की जाएगी। इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम की तीसरे स्कंध का जो 13वां अध्याय है यहीं पे समाप्त होता है। भगवान वराह का प्राकट्य था। अब 14वां अध्याय शुरू करेंगे हम, जिसका नाम है संध्या समय दीति का गर्भधारण। यह है संध्या समय दीति का गर्भधारण। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ये दीति के गर्भ से आगे जो जय विजय है वो अलग अलग हिरण्यकश्यप रावण कुंभकर्ण और शिशुपाल दंतवक्र अलग अलग जन्मों में आएगा। तो पहला दीति जो है अभी हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष को जन्म देगी। तो संध्या समय दीति का गर्भधारण शिशु को वाचा निशम कौशार विना पवर्णिता हरे कथाम कारण सुखर आत्मना पुनः स प्रपच्य तमुद्यतंजलि न च अति तप्त विदुर धृत। सुखदेव गोस्वामी ने कहा महर्षि मैत्रेय से
महर्षि मैत्रेय से वराह रूप में भगवान के अवतार के विषय में सुनकर दृढ़ संकल्प विकुल विदुर ने हाथ जोड़कर उनसे भगवान के अगले दिव्य कार्यकलापों के विषय में सुनाने की प्रार्थना की, क्योंकि विदुर अभी भी तुष्ट अनुभव नहीं कर रहे। विदुर वाचा, विदुर कहते हैं, तेने वतु मुनि श्रेष्ठ हरिणा यज्ञ मूर्तिना आदि देत्यु हिरणाक्ष हत इत्यनु सुश्रम। विदुर ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, मैंने शिष्य परंपरा से सुना है कि यदि आदि असुर हिरणाक्ष उन्हीं यज्ञ रूप वराह के द्वारा मारा गया था। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, वराह अवतार दो कल्पों में प्रकट हुआ था, स्वयंभू मनु स्वयंभू कल्प तथा चाक्षुष कल्प। दोनों ही कल्पों में भगवान का वराह अवतार हुआ था, किंतु स्वयंभू कल्प में उन्होंने ब्रह्मांड के जल के भीतर से पृथ्वी को उठाया था, जबकि चाक्षुष कल्प में उन्होंने प्रथम हिरणाक्ष का वध किया था। स्वयंभू मनु कल्प में उन्होंने श्वेत रंग धारण किया था और चाक्षुष कल्प में लाल। विदुर ने पहले इनमें से एक के विषय में सुन रखा था और अब भी दूसरे के विषय में सुनने का प्रस्ताव कर रहे। दोनों भिन्न भिन्न वर्णित अवतार एक ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। तस्या चौधरथ क्षौणिम स्व स्वद्रष्ट अग्रेण लीलया देत्ते राजस्य च ब्रह्मण कस्मात हेतु अभित मुद। हे ब्राह्मण, जब भगवान अपनी लीला के रूप में पृथ्वी ऊपर उठा रहे थे हे ब्राह्मण जब भगवान अपनी लीला के रूप में पृथ्वी ऊपर उठा रहे थे तब उस असुरराज तथा भगवान वराह के बीच युद्ध का क्या कारण था? श्रद्धा श्रद्धानाया भक्ताय ब्रूहि तजन्म विस्तरम ऋषेण तृप्यति मनः परम कौतूलः मे। मेरा मन अत्यधिक जिज्ञासु बन चुका है, अतः भगवान के आविर्भाव की कथा सुनकर मुझे तुष्टि नहीं हो रही, इसलिए आप इस श्रद्धावान भक्त से और अधिक कहें। तात्पर्य, जो वास्तव में श्रद्धावान और जिज्ञासु होता है वही भगवान के आविर्भाव तिरुभाव की दिव्य लीलाएं सुनने के लिए सुपात्र है। विदुर ऐसे दिव्य संदेशों को ग्रहण करने के उपयुक्त पात्र थे। मैत्र वाचा साधु वीर त्वया प्रष्टम अवतार कथा हरे यत साधु वीर त्वया प्रष्टम अवतार कथा हरे यत त्वं प्रच्छासि मत्यानां प्रत्युपाशा विशातनी। महर्षि मैत्रेय ने कहा, उद्धव तुम्हारे द्वारा की गई जिज्ञासा एक भक्त के अनुरूप है। क्योंकि इसका संबंध भगवान के अवतार से, वे मृत्युओं को जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मोक्ष दिलाने वाले। तात्पर्य, महर्षि मैत्रे ने विदुर को योद्धा के रूप में संबोधित किया है, क्योंकि वह न केवल कुरुवंश से संबंधित थे अभी तो वराह तथा नरसिंह अवतारों में भगवान के वीरतापूर्ण कार्यों के विषय में सुनने के उत्सुक थे। चूंकि ये जिज्ञासा भगवान के विषय में थी, इसलिए एक भक्त के सर्वथा अनुकूल थी। भक्त को अन्य किसी संसारी कथा सुनने में कोई रुचि नहीं रहती। वैसे संसारी युद्ध की अनेक कथाएं, किंतु भक्त इन्हें सुनने के लिए उन्मुख नहीं होता। भगवान जिन युद्ध कथाओं में भाग लेते हैं उन्हें मृत्यु को युद्ध नहीं रहता, मृत्यु का युद्ध नहीं रहता, अभी तो मायापाश के विरुद्ध युद्ध होता है, जिसके कारण मनुष्य को बारंबार जन्म तथा मृत्यु स्वीकार करनी पड़ती। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति भगवान की युद्ध कथाओं के सुनने में आनंद प्राप्त करता है वो जन्म मृत्यु के पास से मुक्त हो जाता है। मूर्ख लोग कुरुक्षेत्र के युद्ध में कृष्ण के सम्मिलित होने के विषय में संदेह करते हैं, क्योंकि वे नहीं जानते
कि उनमें भाग लेने से उन लोगों की मुक्ति सुनिश्चित हो गई जो युद्ध भूमि में उपस्थित। भीष्म देव ने कहा कि कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में उपस्थित सारे लोगों को मृत्यु के बाद उन्हें मूल आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो गए, अतः भगवान की युद्ध कथाओं का सुनना अन्य किसी भक्ति के समान। तो इस प्रकार से विदुर से कह रहे हैं महर्षि के, हे योद्धा, तुम्हारे द्वारा की गई जिज्ञासा एक भक्त के अनुरूप है, क्योंकि इससे इसका संबंध भगवान के अवतार से वे मृत्यु को जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मोक्ष दिलाने में। तो यहाँ पे विदुर को योद्धा के रूप में क्यों संबोधित किया जा रहा है, क्योंकि वह न केवल कुरुवंश से संबंधित थे अपितु वराह तथा नरसिंह अवतारों में भगवान के वीरतापूर्ण कार्य के विषय में सुनने के उत्सुक, चूंकि जिज्ञासा भगवान के विषय में थी इसलिए एक भक्त के सर्वथा अनुकूल थी। भक्त को अन्य किसी संसारी कथा सुनने में कोई रुचि नहीं रहती, वैसे संसारी युद्ध की अनेक कथाएं हैं किंतु भक्त इन्हें सुनने के लिए उन्मुख नहीं होता। भगवान जिन युद्ध कथाओं में भाग लेते हैं उनमें मृत्यु का युद्ध नहीं रहता, अभी तो माया पाश के विरुद्ध युद्ध होता है जिसके कारण मनुष्य को बारंबार जन्म तथा मृत्यु स्वीकार करनी पड़ती है। दूसरे शब्दों में जो व्यक्ति भगवान की युद्ध कथाओं को सुनने में आनंद प्राप्त करता है वह जन्म मृत्यु के पाश से मुक्त हो जाता है। मूर्ख लोग कुरुक्षेत्र के युद्ध में कृष्ण के सम्मिलित होने में विषय में संदेह करते हैं, क्योंकि नहीं जानते कि उनके भाग लेने से उन लोगों की मुक्ति सुनिश्चित हो गई थी जो युद्ध भूमि में उपस्थित थे कृष्ण के भाग लेने से। भीष्मदेव ने कहा कि कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में उपस्थित सारे लोगों की मृत्यु के बाद उन्हें मूल आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो गए, अतः भगवान की युद्ध कथाओं का सुनना अन्य किसी भक्ति के समान ही। यया उत्थान पाद पुत्र मुनिना गीतयार्भक मृत्यु कृत्वा एव मूर्धनि अंग्रिम आरुह हरे पदम। इन कथाओं को मुनि नारद से सुनकर राजा उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव इन कथाओं को मुनि नारद से सुनकर इन कथाओं को मुनि नारद से सुनकर राजा उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव भगवान के विषय में प्रबुद्ध हो सका और मृत्यु के सिर पर पार रखते हुए भगवान के धाम पहुंच गया। तात्पर्य अपना शरीर त्याग करते समय राजा उत्तानपाद के पुत्र महाराज ध्रुव के पास सुनंद तथा अन्य पुरुष आए थे जिन्होंने भगवत धाम में उनका स्वागत किया। उन्होंने अल्पायु में जब वे बालक ही थे इस संसार को त्याग दिया। यद्यपि उन्होंने अपने पिता का सिंहासन प्राप्त कर लिया था और उनके अपने कई पुत्र भी थे, चूंकि उन्होंने इस संसार को छोड़ना था इसलिए मृत्यु उनकी प्रतीक्षा कर रही थी, किंतु उन्होंने मृत्यु की परवाह नहीं की और वे उसी शरीर सहित एक आध्यात्मिक विमान पर आरूढ़ होकर उन महर्षि नारद की संगति के कारण विश्वलोक पहुंच गए जिन्होंने उन्हें भगवान की लीलाएं सुनाई थी। कथाओं का महत्व बताया जा रहा है। अथात्रापि इतिहास अयम श्रुता में वर्णित पुरा ब्रह्मणा देव देवेन देवानाम अनुप्रच्छताम वरा रूप भगवान तथा हिरण्यक्ष असुर के मध्य युद्ध का इतिहास मैंने बहुत वर्षों तब सुना था जब वह देवताओं के अग्रणी ब्रह्मा द्वारा अन्य देवताओं के पूछे जाने पर वर्णन किया गया था।
वरारू भगवान तथा हिरण्याक्षासुर के मध्य युद्ध का ये इतिहास। मैंने बहुत वर्षों से तब सुना था जब यह देवताओं के अग्रणी ब्रह्मा द्वारा अन्य देवताओं के पूछे जाने पर वर्णन किया गया। दिति दाक्षिणा क्षत मारीचम कश्यपम पतिम अपत्य कामा चकमे संध्यायाम ऐश्वर्य प्रतिशय अर्दिता। दक्ष कन्या दिति ने काम इच्छा से पीड़ित होकर संध्या के समय अपने पति मरीचि पुत्र कश्यप से संतान उत्पन्न करने के उद्देश्य से संभोग करने के लिए प्रार्थना की। दक्ष कन्या दिति ने काम इच्छा से पीड़ित होकर संध्या के समय अपने पति मरीचि पुत्र कश्यप से संतान उत्पन्न करने के उद्देश्य से संभोग करने के लिए प्रार्थना की। इष्टाग्नि जिमं पयसा पुरुषम यजुषाम पतिम निम्लोच्यत्यर्क आसीनम मग्न्यारे समाहितम। सूर्यास्त हो रहा था और मुनि भगवान विष्णु को, जिनकी जीव यज्ञ की अग्नि है, आहुति देने के बाद समाधि में आसीन। तात्पर्य अग्नि को भगवान विष्णु की जीव माना जाता है और अग्नि में अन्न तथा घी की आहुतियां डाली जाती है, जो वे उनके द्वारा स्वीकार की जाती है। यह उन सभी यज्ञों का नियम है जिनके स्वामी भगवान विष्णु है। दूसरे शब्द में भगवान विष्णु की तुष्टि में सारे देवताओं तथा अन्य जीवों की तुष्टि भी सम्मिलित है। दितिरोवाचा एष माम तत्कृते विद्वन् काम आत्त शराशन दुनोति दीनां विक्रम्य रंभाम इव मतं गज। उस स्थान पर सुंदर दीति ने अपनी इच्छा व्यक्त की। यहां पर दीति जो है, उस स्थान पर सुंदर दीति ने अपनी इच्छा व्यक्त की। है विद्वान कामदेव, अपने तीर लेकर मुझे बलपूर्वक उसी तरह सता रहा जिस तरह उन्मत्त हाथी एक केले के वृक्ष को झकझोरता है। तात्पर्य अपने पति को समाधि स्थल देखकर सुंदर दीति ने जोर जोर से बोलना शुरू किया। उसने अपने शारीरिक हाव भाव से उन्हें आकृष्ट करने का प्रयास नहीं किया। उसने खुलकर उसके पति की उपस्थिति के कारण उसका सारा शरीर काम इच्छा से उसी तरह पीड़ित हो रहा था जिस तरह उन्मत्त हाथी द्वारा केले का वृक्ष झकझोरा जाता है। यद्यपि समाधि में लीन पति को चलायमान करना उसे स्वाभाविक नहीं लगा, किंतु वह अपनी प्रबल कामक्षुधा को रोक नहीं पाई। उसकी कामेच्छा उन्मत्त हाथी के समान थी, अतः उसके पति का कर्तव्य था कि उसकी इच्छा पूरी करके उसे सभी तरह संरक्षण प्रदान कर उसकी संतान उत्पन्न करने की इच्छा हुई। तत् भवान दयमानायाम सपत्नी नाम समृद्धि वे प्रजावती नाम भद्रंते मई आयुक्ताम अनुग्रह। अतः आपको मुझ पर पूर्ण दया दिखाते हुए मेरे प्रति कृपालु होना चाहिए। मुझे पुत्र प्राप्त करने की चाह है और मैं अपनी सौतों का ऐश्वर्य देखकर अति तीर्थ व्यतीत हूँ। इस कृत्य को करने से आप सुखी हो सकेंगे। ये दीति ने इच्छा व्यक्त की कि मुझे पुत्र प्राप्त करने की इच्छा है और मैं अपनी सौतों का ऐश्वर्य देखकर अत्यधिक व्यथित हूँ। इस कृत्य को करने से आप सुखी होंगे। भगवद गीता में संतान उत्पत्ति के लिए संभोग को धर्मोचित बताया गया, संतान उत्पत्ति के लिए, किंतु केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए काम उन्मुख होना उचित नहीं है।
संभोग के लिए अपने पति से दीति ने की याचना में ऐसा कुछ नहीं आया था कि वो काम इच्छा से पीड़ित है, अपितु तो पुत्र चाहती थी। चूंकि उसके कोई पुत्र नहीं था इसलिए वो स्वयं को अपने सौतों की अपेक्षा है समझ रही थी, अतः कश्यप से अपेक्षा की जाती थी कि वह अपनी प्रामाणिक पत्नी को तुष्ट करे। भर्तरी आप्त उरुमान आनाम लोकान आविशते यश पति पति भवत विदो यासाम प्रजया ननु जायते। एक स्त्री अपने पति के आशीर्वाद से संसार में आदर पाती है और संतानें होने से आप जैसा पति प्रसिद्धि पाएगा क्योंकि आप जीवों के विस्तार के निमित्त हैं। ऋषभदेव के अनुसार किसी को तब तक माता या पिता नहीं बनना चाहिए जब तक वह विश्वस्त न हो ले कि वह जिन संतानों को उत्पन्न करेगा वह उन्हें जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति दिला सकेगा। मानव जीवन ही इस भौतिक घेरे से बाहर का एकमात्र अवसर है जो जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के कष्टों से पूरी। हर व्यक्ति को अपने मनुष्य जीवन का लाभ उठाने का अवसर मिलना चाहिए और कश्यप जैसे पिता से आशा की जाती है कि मोक्ष के प्रयोजन से वह अच्छी संतानें उत्पन्न कर। पुरा पिता न भगवान दक्ष द्रहित वत्सल कम व्रणित वरम वत्सा इतो अप्रच्छत न पृथक। बहुत काल पूर्व अत्यंत ऐश्वर्यवान हमारे पिता दक्ष ने जो अपनी पुत्रियों के प्रति अत्यंत वत्सल थे हम में से हर एक को अलग अलग से पूछा कि तुम किसे अपने पति के रूप में चुनना चाहोगे। तात्पर्य श्लोक से प्रतीत होता है कि पिता द्वारा पति के स्वतंत्र चुनाव की अनुमति पुत्री को दी जाती थी किंतु स्वच्छंद संगति के द्वारा नहीं। पुत्री को अलग अलग से कहा गया कि वे ऐसे पति का चुनाव करें जो अपने कार्यों तथा व्यक्तित्व के लिए विख्यात। अंतिम चुनाव पिता की रुचि पर निर्भर करता था। सविदित्वा आत्मज्ञानम् भावम संतान भावन त्रयोदशादतासाम याते शीलम अनुव्रता। हमारे शुभाकांक्षी पिता दक्ष ने हमारे मनोभावों को जानकर अपनी 13 कन्या आपको समर्पित कर दी। तो दीति बोलती है कि हमारे पिता दक्ष ने अपने हमारे मनोभावों को जानकर अपनी 13 कन्या आपको समर्पित कर दी और तब से हम सभी आपकी आज्ञाकारिणी नहीं। तो कश्यप के 13 पत्नियां थी। तात्पर्य सामान्यतः कन्या अपने पिता के समक्ष अपना मत व्यक्त करने में सकुचाती है किंतु पिता पुत्रियों के मनोभाव को अन्य किसी माध्यम से दादी के माध्यम से जिसके साथ पुत्रियों की सीधी पहुंच होती स्वीकार कर लेता है। राजा दक्ष ने अपनी पुत्रियों का मत जाना और इस तरह 13 पुत्रियों को कश्यप को प्रदान किया। दिति की हर बहन बच्चों की माता थी अतः दिति वह दिति संतान इन क्यों बनी रहे जबकि वह उसी पति के प्रति समान रूप से आज्ञाकारिणी थी। अथ मैं करु कल्याण मैं कामम कमल लोचन आर्त उपसमर्पणम भूमन अमोघम ही मही अशी। हे कमल लोचन कृपया मेरी इच्छा पूरी करके मुझे आशीर्वाद दे। जब कोई त्रस्त होकर किसी महापुरुष के पास जाता है तो उसकी याचना व्यर्थ नहीं होनी चाहिए। दीति अच्छी तरह जानती थी कि असामयिक स्थिति के कारण उसकी विनती अस्वीकृत हो सकती है किंतु उसने याचना की कि जब आपातकाल और त्रासपूर्ण स्थिति आए तो काल या परिस्थिति पर विचार नहीं किया जाता। ये दीति का मत था। इति ताम वीर मारिच कृपणा बहुभाषिणम प्रत्यायानुनयन वाचा प्रवद्ध अनंग कश्मलाम। हे वीर विदुर इस तरह काम वासना के कलमश से ग्रस्त और इसलिए असहाय एवं बड़बड़ाती हुई दीति को मरुचि पुत्र कश्यप ने समुचित शब्दों से शांत किया।
तात्पर्य, जब कोई पुरुष या स्त्री काम वासना से ग्रस्त होता है तो इसे पाप पूर्ण कल्मष कहा जाता है। कश्यप अपने आध्यात्मिक कार्यों में संलग्न थे तो भी उनमें इतनी शक्ति नहीं थी कि वे उन्हें मना कर सकें जो उस तरह पीड़ित थी। वे कठोर शब्दों में अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए इनकार कर सकते थे, किंतु वे विदुर की तरह आध्यात्मिक रूप से बलवान नहीं थे। विदुर को यहाँ पर वीर संबोधित किया गया है क्योंकि भगवत भक्ति की अपेक्षा आत्मसंयम में और कोई अधिक बलवान नहीं होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि कश्यप पहले से ही पत्नी से के साथ संभोग आनंद के लिए उन्मुख थे, और चूंकि वे दृढ़ व्यक्ति नहीं थे अतः उन्होंने केवल सांत्वनाप्रद शब्दों में उसे विरत करने का प्रयास किया। एषा ते अहम विद्यास्मि प्रियं भीरु यतेच्छसि तस्य कामं न कुर्यात् सिद्धि त्रैवर्गी की अतः। हे बिरु, तुम्हें जो भी इच्छा प्रिय उसे मैं तुरंत प्राप्त करूंगा, क्योंकि तुम्हारे अतिरिक्त मुक्ति की 3 सिद्धियों का स्रोत और कौन है। तात्पर्य, मुक्ति की 3 सिद्धियां धर्म अर्थ तथा काम है। बद्धात्मा के लिए स्त्री को मुक्ति का स्रोत माना जाता है क्योंकि वह अपने पति की चरम मुक्ति के लिए उनकी सेवा करती। बद्ध भौतिक जगत इंद्रिय तृप्ति पर आधारित है। यदि सौभाग्यवश किसी को अच्छी पत्नी मिल जाती तो उसे सभी प्रकार से पत्नी की सहायता प्राप्त होती। यदि वह अपने बद्ध जीवन में विचलित होता रहता है और भौतिक कलमश में अधिकाधिक फंस जाता है। एक आज्ञाकारिणी पत्नी से उम्मीद की जाती है कि वह अपने पति की समस्त भौतिक इच्छाओं को पूरा करने में सहयोग करे, जिससे वह सारे सुख जुटा सके और जीवन सिद्धि के लिए आध्यात्मिक कार्य संपन्न कर सके। किंतु यदि पति आध्यात्मिक उन्नति में प्रगतिशील है तो उसकी पत्नी निश्चय उसको कार्यों में हाथ बटाना चाहिए, और तब पति पत्नी दोनों ही आध्यात्मिक स्थिति से लाभ उठाते हैं। इसलिए अति आवश्यक है कि बालक तथा बालिकाओं को आध्यात्मिक कर्तव्य करने के लिए प्रशिक्षित किया जाए, ट्रेनिंग दिया जाए, जिससे सहयोग की आवश्यकता उपस्थित होने पर दोनों लाभान्वित हो सके। बालक का प्रशिक्षण ब्रह्मचर्य और बालिका का कौमारी है। आज्ञाकारिणी पत्नी तथा अध्यात्म शिक्षित ब्रह्मचारी मानव उद्देश्य की प्रगति के लिए उत्तम संयोग। सर्वाश्रम अनुपादाय सर्व स्वाश्रमेन कलत्रमान व्यसनान मत्येति जलयाने अर्थार्णवानम। जिस तरह जहाजों के द्वारा समुद्र को पार किया जा सकता है, उसी तरह मनुष्य पत्नी के साथ रहते हुए भवसागर के भयावह स्थिति से पार हो सकता है। तात्पर्य, संसार से मोक्ष के प्रयास में सहयोग करने के लिए 4 सामाजिक व्यवस्थाएं अर्थात आश्रम है। ब्रह्मचर्य, पवित्र छात्र जीवन, ग्रस्त जीवन, वानप्रस्थ तथा संन्यास। सफल प्रगति के लिए सभी उस ग्रस्त पर निर्भर रहते हैं जो इस प्रकार से ग्रस्त आश्रम में पत्नी के साथ रहता है। यह सहयोग जीवन की 4 व्यवस्थाओं में तथा 4 आध्यात्मिक व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से कार्य करते रहने के लिए अति आवश्यक है। यह वैदिक वर्णाश्रम प्रणाली सामान्य जाति प्रथा कहलाती है। तो ग्रस्त में व्यक्ति पत्नी के साथ रहता है और अन्य आश्रम के सदस्य से ब्रह्मचारियों, वानप्रस्थों तथा सन्यासियों के भरण पोषण की व्यवस्था करता है। ग्रस्तों को छोड़कर अन्य समूह से आशा की जाती है कि वे जीवन की आध्यात्मिक प्रगति में लगे रहें। अतः ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ तथा सन्यासी को जीविका कमाने के लिए बहुत कम समय रहता है, इसलिए वे ग्रस्तों से भिक्षा एकत्र करते हैं और इस तरह वे जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करते हैं। समाज के अन्य 3 वर्गों को आध्यात्मिक मूल्यों का अनुशीलन करने में सहायता करके ग्रस्त भी आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करते हैं। अंततोगता, समाज का हर सदस्य स्वतः आध्यात्मिक रूप से उन्नत बनता है और अविद्या के सागर को सहज ही पार कर जाता है। यामाहु आत्मनहि अर्धम श्रेय कामस्य मानिनि यस्यां सधुरं मदस्य उमां चरति विज्वरः। हे आदरणीय पत्नी, हे आदरणीय पत्नियां इतनी सहायताप्रद होती हैं कि मनुष्य के शरीर की अर्धांगिनी कहलाती, क्योंकि वह समस्त शुभ कार्यों में हाथ बटाती। पुरुष अपनी पत्नी पर जिम्मेदारियों का सारा भार डालकर निश्चित होकर विचरण कर सकता।
तो तात्पर्य वैदिक आदेश के अनुसार पत्नी को पुरुष के शरीर के अर्धांगिनी माना जाता है, क्योंकि पति के आधे कार्यों को संपन्न करने के लिए उत्तरदायी मानी जाती है। पारिवारिक पुरुष पर पांच प्रकार के यज्ञ, जिन्हें पंच यज्ञ कहते हैं, संपन्न करने का भार रहता है, जिससे उसे सभी प्रकार के अनिवार्य पाप कर्मों के फलों से छुटकारा मिल सके, जो उसकी अपनी दिनचर्या के दौरान हो जाते हैं। जब मनुष्य गुणात्मक रीति से कुत्ते बिल्लियों की तरह बन जाता है, तो आध्यात्मिक मूल्य का अनुशीलन करने के अपने कर्तव्य को भूल जाता है। तब वह पत्नी को इंद्रिय तृप्ति का साधन मान बैठता है। जब पत्नी को इंद्रिय तृप्ति का साधन माना जाता है, तो उसके पीछे व्यक्तिगत सौंदर्य मुख्य उपादान रहता है, और जैसे ही व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति में कोई अवरोध आता है, तो संबंधों में व्यवधान या तलाक हो जाता है। किंतु जब पति पत्नी पारस्परिक सहयोग द्वारा आध्यात्मिक प्रगति के लक्ष्य बनाते हैं, तो व्यक्तिगत सौंदर्य तथाकथित प्रेम व्यवधान पर ध्यान नहीं दिया जाता। भौतिक जगत में प्रेम का प्रश्न नहीं उठता है। विवाह तो वास्तव में कर्तव्य है, जिसे आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्रामाणिक शास्त्रों के अनुसार पारस्परिक सहयोग में संपन्न किया जाता है। अतः कुत्ते तथा बिल्लियों के जीवन से बचने के लिए विवाह आवश्यक है, क्योंकि कुत्ते बिल्ली आध्यात्मिक प्रभुता के लिए नहीं है। यामाश्रिता इंद्रियातीन दुर्जयान इतराश्रमे वयम जयम हेला भी दस्युन दुर्ग पति यथा। जिस तरह किले का सेनापति आक्रमणकारी लुटेरे को बहुत आसानी से जीत लेता है, उसी का तरह पत्नी का आश्रय लेकर मनुष्य उन इंद्रियों को जीत सकता है जो अन्य आश्रमों में अजय होती। तात्पर्य, मानव समाज के चार आश्रम ब्रह्मचारी, ग्रस्त, वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम में से ग्रस्त सुरक्षित है। शारीरिक इंद्रिय शरीर रूपी किले की लुटेरी मानी जाती, पत्नी को किले का सेनापति माना जाता है। तो जब कभी शरीर पर इंद्रियों का आक्रमण किया जाता है, तो पत्नी ही शरीर को शत विशत होने से बचाती। यौन की भूख हर एक के लिए अपरिहार्य, किंतु जिसके पास स्थायी पत्नी होती है, वह इंद्रिय शत्रुओं के आक्रमण से बचा लिया जाता है। जिस व्यक्ति की उत्तम पत्नी होती है, वो कुमारिकाओं को भ्रष्ट करके समाज में उत्पात नहीं मचाता। स्थायी पत्नी के बिना मनुष्य को परले से लेकर व्यभिचारी बन जाता है और समाज के लिए अभिशाप हो जाता है, जब तक कि वह प्रशिक्षित ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ या सन्यासी न हो। जब तक दक्ष गुरु द्वारा ब्रह्मचारी का कठोर तथा नियमित प्रशिक्षण नहीं होगा, तब तक छात्र आज्ञाकारी नहीं होगा, और तब निश्चय तथाकथित ब्रह्मचारी यौन के आक्रमण का शिकार बनता रहेगा। पतन के अनेकानेक उदाहरण है, यहाँ तक कि विश्वामित्र जैसे महान योगी का भी पतन हुआ, किंतु ग्रस्त अपने आज्ञाकारी पत्नी के कारण सुरक्षित बना रहता है। यौन जीवन भव बंधन का कारण है, और इन तीन आश्रमों में इसका निषेध है। एकमात्र ग्रस्त आश्रम में इसकी सीमित अनुमति है। ग्रस्त के उत्तम कोटि के ब्रह्मचारी और वानप्रस्थ तथा सन्यासी को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी। इस प्रकार से हम देखते हैं, ये संध्या समय जो दीति का गर्भधारण है, इसको ध्यान में रखते हुए वर्णाश्रम धर्म के क्या क्या नियम है, उसका वर्णन किया गया है। इसके बाद हम देखेंगे किस तरह दीति कश्यप के द्वारा गर्भ धारण करती है। इस कथा को आगे कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का वर्णन जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।